जो आपको कि यहाँ जो मरीज पेशेंट वगैरह इमरजेंसी वाले किसी के यहाँ मौत हो गई है वही लोग निकल रहे हैं, बाकी पब्लिक तो अपने घरों पर ही है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर भी खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। खाली पटरियां हैं, खाली रेलवे ट्रैक्स हैं, कोई भी ट्रेन नहीं गुजर रही है। और आप अलीगढ़ के हैं तो आप जानते होंगे कि हर 2 से 3 मिनट बाद यहां पर गाड़ी गुजरती है। आज 22 मार्च है और 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने यह अपील की थी कि पूरे भारत में जनता कर्फ्यू रहे, तो इसका क्या असर है यह असर हमने देखा अलीगढ़ में। इस वक्त हम खड़े हैं बरोला बाईपास पे, ये बरोला बाईपास ब्रिज है जहां पर आप देख सकते हैं कि खामोशी छाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल वाली ये जगह है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जगह नहीं है, तो अलीगढ़ में कोरोना वायरस के लिए जो पहल की थी यूपी में भी योगी सरकार ने अपील की है कि यूपी वासी जो हैं वो अपने घर में ही रहें क्योंकि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रयोग किया जा रहा है उस प्रयोग में अलीगढ़ काफ़ी हाथ बटा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सुनसान रोड है, बिल्कुल खामोशी है यहाँ पर, हालांकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। ये आगे जाके दिल्ली को कनेक्ट करता है, ये आगे जाके नेशनल हाईवेज़ को कनेक्ट करता है, लेकिन इस वक्त ना आप यहाँ पर बड़ा वाहन देख रहे हैं ना ही यहाँ पर छोटा वाहन देख रहे हैं। एक खूबसूरत बात ये भी है कि जब से 7 बजे से हम फिज़ाओं में खामोशी महसूस कर रहे हैं, जो चिड़ियों की बर्ड्स की आवाज़ नहीं आती थी लेकिन आज वो आ रही है। जहाँ देखें सड़कें खामोश हैं, जहाँ बैल वाले रोड बिल्कुल खामोश हैं, ये असर है कोरोना वायरस का, ये असर है जनता कर्फ्यू का, ये असर है जनता किस तरह इसका पालन करे। हम खड़े हैं इस वक्त अलीगढ़ के बस स्टैंड पर। अलीगढ़ का बस स्टैंड है जहां से मुरादाबाद, रामपुर और उत्तरांचल को यहां से बसें जोड़ती हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर भी खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था वो यहाँ पर भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिर्फ खाली बसेस हैं और खाली बस स्टैंड हैं। तो अलीगढ़ का जायज़ा लेते हुए हम इस वक्त पहुँच चुके हैं सूत मिल चौराहे पे। सूत मिल चौराहे पर ये बस स्टैंड है, इसे नया बस स्टैंड भी कहते हैं जो पहले ग्राउंड सुरजीत के पास था, लेकिन इस वक्त ये सूत मिल चौराहे के पास आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ खामोशी है, खामोशी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अलीगढ़ में बस स्टैंड के पास भी जनता कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। इन खाली सड़कों से होते हुए हम पहुंचे सूत मिल चौराहे पे। सूत मिल चौराहा आप जानते हैं ये कितना बिजी रहता है और आम दिनों पे यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक होता है और ये दिल्ली रोड को भी जोड़ता है। यहाँ हमने बात की उनसे और पूछा यहाँ का हाल। सभी लोग अपने घरों पर हैं, जो इमरजेंसी वाले हैं, जो बीमार पेशेंट वगैरह हैं वही लोग रोड पर आ रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ज्यादातर ये रोड जो है सूतमूल चौराहा ये काफी भरा रहता है, काफी बिल्कुल यहाँ जाम की स्थिति रहती है बिल्कुल, पर आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सुबह से ड्यूटी है तो आपको कितनी यहाँ रौनक या आवाजाही दिख रही है? यहाँ बिल्कुल आवाजाही नहीं है। मैंने बताया जो आपको कि यहाँ जो मरीज पेशेंट वगैरह इमरजेंसी वाले किसी के यहाँ मौत हो गई है वही लोग निकल रहे हैं, बाकी पब्लिक तो अपने घरों पर ही है। तो जनता जो है वो खुद जनता कर्फ्यू पालन कर रही है, जैसे कि सख्ती भी यहाँ पर कुछ है क्या कि अगर लोग निकल रहे हैं तो क्या पुलिस की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ सख्ती भी बरती जा रही है? ये जनता खुद अपना ख्याल रख रही है, वहाँ पे आप ही रख रही है, कोई वो नहीं, अपने आप ही जनता ख्याल रख रही है। तो क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से और इस वक्त अलीगढ़ की जनता से, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारियाँ ट्रैफिक पुलिस के लिए रहती हैं और जिम्मेदारियाँ बढ़नी भी वाली हैं क्योंकि चौराहों पर सिग्नल्स ट्रैफिक लग गए हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप अलीगढ़ की जनता से कि वो किस तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन करें? जनता से यही अपील है, सब अपने घरों में रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं, इससे बढ़िया बात नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं ITI रोड की। ये रोड ITI की तरफ जाता है, उसके बाद ये नुमाइश ग्राउंड से जुड़ता है। यहाँ भी खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग पालन कर रहे हैं जनता कर्फ्यू का। लोगों ने अपनी दुकानें बंद की हुई हैं, हालांकि हमने देखा कि वो ऐसी सख्ती नहीं है, लेकिन ये
अच्छी बात है कि जनता खुद सतर्क है, जनता खुद जागरूक है। उसके बाद हमने तय किया रास्ता फिरदौस नगर का। ये फिरदौस नगर का रास्ता है जो कि पटवारी के नगले पे जाता है और बरौली बाईपास पे भी आगे जाके मिल जाता है। यहाँ पर इक्का दुक्का लोग दिखे, वो लोग जो मोहल्ले में ही रहते हैं, वाकई बड़े वाहन या गाड़ियाँ यहाँ नज़र नहीं आई। जैसा कि कहा गया था कि सारे वाहन बंद रहेंगे और इंडियन रेलवे में जो ट्रेन्स का संचालन है वो भी नहीं होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली हावड़ा लाइन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से ये खाली पटरियाँ हैं, खाली रेलवे ट्रैक्स हैं, कोई भी ट्रेन नहीं गुजर रही है। और आप अलीगढ़ के हैं तो आप जानते होंगे कि हर 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पर गाड़ी गुजरती है। 1.5-2 घंटे बाद जो है यहाँ पर सिर्फ माल गाड़ी देखने को मिल जा रही है। दूर दूर तक सन्नाटा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये प्रयोग है, ये ट्रेन्स पे भी अपनाया गया है, ये रेलवे ने भी इसको अपनाया है और इसलिए आज रात तक रेलवे बंद रहेगा। सिविल लाइन का भीड़भाड़ वाला इलाका शमशाद मार्केट भी कहा जाता है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। शमशाद मार्केट की तरफ पहुंची इंडियन इंफॉर्मेटिव की टीम, लेकिन यहाँ भी सन्नाटा मिला। लोगों को देखा कि लोग जनता कर्फ्यू जो लगाया है नरेंद्र मोदी ने, उसका पालन कर रहे हैं। उसके बाद हमने रुख किया पुरानी चुंगी का। पुरानी चुंगी पर भी लोग नहीं हैं, काफ़ी ढाबे हैं यहाँ पर, लेकिन ढाबे सारे बंद हैं, रोड बिल्कुल खाली है। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं जो किसी ज़रूरी काम से निकले हैं। हम हैं इस वक्त रामघाट रोड पे। रामघाट रोड पे सख्ती बहुत है, सेंटर पॉइंट पे भी सख्ती है। लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, अगर कोई निकल रहा है तो उनसे बाहर निकलने का वजह पूछा जा रही है। हालांकि ओल्ड सिटी से हमारे पर तस्वीरें आईं और जैसा हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया कि यहाँ पर टोटल लॉकडाउन है, तो हमने इस चीज़ को पाया कि शहर में ज़्यादा सख्ती है। उसके अलावा सैनिटाइजेशन की भी तस्वीरें हमें मिली, जैसे कि यह सेंटर पॉइंट की है। इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो ये अपील करता है कि आप इस जनता कर्फ्यू का पालन करें, अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, वरना आप लोग अपने घर में बैठें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने, क्योंकि हम लोग ही मिलके इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। अभी ये थर्ड स्टेज पे है और अभी ये ख़त्म हो गया, तो आगे ये हिंदुस्तान में ज़्यादा कहर नहीं मचा पाएगा। तो अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।